नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में समाज शास्त्र का परीक्षा। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको मात्र 50 प्रश्न का सही उत्तर देना था। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि रक्त संबंध पर आधारित नातेदारी क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, समरक्त नातेदारी। अगला प्रश्न है, मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1856 ईस्वी में। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी परिस्थिति तलाक का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, योनि दोष, योनिक दोष। अगला प्रश्न है, महर का संबंध किस विवाह से है। तो महर का संबंध किस विवाह से है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका मुसलमान से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ईसाई से। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के विवाह पर निम्न में क्या लागू होते हैं। हिंदुओं के विवाह पर निम्न में से क्या लागू होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता। अगला प्रश्न है, एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है। एक मुसलमान पुरुष एक साथ कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा 4 स्त्रियों से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति एक गतिहीन वर्ग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मजूमदार ने कहा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कौन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न हिंदू जाति के लोग उच्च जाति के लोगों के संदर्भ में अपनी प्रथाओं को परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संस्कृतिकरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परंपरा का महत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है। निम्न में से कौन विवाह का नियम नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निकट भिगमन निषेध, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, किसने कहा धर्म अलैंगिक शक्ति में विश्वास है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हर्स्कोविटिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिकरण की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अनियोजित परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अगस्त कटम में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म निरपेक्षता का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विभेदीकरण की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति बहुल झारखंड किस प्रदेश को काटकर बनाया गया। तो झारखंड राज्य बनाया गया बिहार राज्य को काटकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न, महिलाओं के लिए सामान्य परिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1976 में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में कौन मोक्ष प्राप्ति की सही विधि नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, काम मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। तो पंचायत कचहरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचायत कचहरी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम अमूल्यन अभियान हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कैलाश सत्यार्थी को बाल श्रम अमूल्यन अभियान हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा
समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मैकाई ईश्वर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, मैकाई ईश्वर ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाज संघर्ष पर विजय प्राप्त किया जा किया हुआ सहयोग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मैकाई ईश्वर। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सिलेमेल। अगला प्रश्न है, किसने समूह के अंतर समूह एवं बाह्य समूह के स्वरूप में विभाजित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, समनर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप शब्द का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, C.H. Kullo। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदंत परिस्थिति का आधार नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, शिक्षा। प्रश्न है, प्रदंत और अर्जित के रूप में परिस्थिति के वर्गीकरण किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उपचारिक साधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, कानून। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कुशवाहा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण नगर संत्याय की अवधारणा किसने दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रेटफील्ड। अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाता की कम से कम क्या आयु होनी चाहिए? तो मतदाता की उम्र होता है दोस्तों, मतदाता के लिए होता है 18 वर्ष, जो मतदान करेगा ग्राम पंचायत चुनाव में, जो वोट देने जो मतदाता करने जाएगा उसका 18 वर्ष, और अगर उसमें चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना के लिए निम्न में से कौन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विवाह। अगला प्रश्न है, G.S. Gurie द्वारा जाति की कितनी विशेषताओं को विश्लेषित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 6। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अध्यात्मकवाद, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में कितने यज्ञ की चर्चा की गई है? हिंदू समाज में कितने यज्ञ की चर्चा की गई है? तो 4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न है आपका, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, इरावती कार्बो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय एकता समिति का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, BP Mandal। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, जेवी कृपलानी ने। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, परिवार के अंतर्गत होने वाली हिंसक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है? तो मानव तस्करी का कारण नहीं है सामाजिक प्रगति, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति की वकालत की?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीनिवास ने। निम्न में से किन्होंने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की थी? तो श्रीनिवास ने। अगला ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, डेंजरस ड्राइव्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है? ताना भगत आंदोलन निम्न में से किस जनजाति से जुड़ा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उराव जाति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के युवा संगठन को जीत योरा कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उर्वा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा वाद विवाद तथा प्रतिवाद ही परिवर्तन का नियम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए सही है, मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, निम्न में किन्हों ने वहिष्वाह की अवधारणा दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैकेलन ने। अगला प्रश्न है, फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डालने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दुखर्म को। अगला प्रश्न है, सहकाष्टी क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नातेदारी की रीति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धर्म की तत्कृत व्याख्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लैंगिकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नातेदारी का प्रक्रिय नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सामाजिक विघटन का साधन। अगला प्रश्न है, घुड़िये ना जनजाति की समस्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो भागों में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? सरहुल किस समुदाय का त्यौहार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आदिवासी का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया? तो 2019 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2019 को। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय प्रतीक। निम्न में से कौन सा भारत की विविधता का स्रोत नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक। अगला प्रश्न है, किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डीपी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव समाज जीव समाज से किस आधार पर भिन्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुरक्षा। अगला प्रश्न है, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जॉनसन ने। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? तो गृहस्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुई? अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा श्रीनिवास ने किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1962 में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी सही है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता किससे जुड़ी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नगरीय सभ्यता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता नहीं है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गतिशीलता। अगला प्रश्न है, विश्व में आधुनिकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई, विश्व में आधुनिकरण की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, क्या होता है, तो 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे बलवंत राय मेहता समिति से संबंध है, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किसे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तो पंचायती राज समिति से। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान कानून के अनुसार लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, तो लड़का 21 और लड़की 18, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, महर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति समस्या नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है, तो भारतीय संस्कृति में कितने पुरुषार्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 4। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संयुक्त परिवार। भारतीय ग्रामीण समुदाय में परिवार का कौन सा प्रकार प्रचलित है, संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है, संस्कृति विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है और वॉर्न ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आर्थिक संस्था है, निम्न में से कौन आर्थिक संस्था है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाजार, ऑप्शन नंबर डी सही है, बाजार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, फ्रायड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन तत्त्व कलन की विधा नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 85 का बी बिल्कुल सही है, अवलोकन। अगला प्रश्न है, ए आर देसाई किस विचारधारा का प्रवर्तित थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रामपुरा का। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मार्क्स का। अगला प्रश्न है, भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जाति, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद को के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, धर्म के उत्पत्ति के आत्मवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है, वर्णात्मक बंधुत्व निम्न में से किस नातेदार के साथ प्रयुक्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा चाचा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिनेमा, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिनेमा। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, लेबोरेटरी रेट क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साली विवाह। अगला प्रश्न है, निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कार्य जॉब की अनुसुरक्षा, ऑप्शन नंबर असुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 महिलाओं को सशक्तिकरण किस स्तर पर करता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर करता है, और पंचायत स्तर पर करता है, राज्य स्तर पर करता है, तो इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं करता है, ये पंचायत स्तर पर करता है और राज्य स्तर पर करता है, तो बी और सी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी और सी। अगला प्रश्न है,
किसने लैंगिक असमानता के सात प्रकार का उल्लेख किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आत्मसैन्य, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, लैंगिक स्पृन से बच्चों को संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 2012 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 2012 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में जन संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? ग्रामीण भारत में जन संचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, समाचार पत्र।